मॉर्निंग एवरीवन, ये इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड लेक्चर है। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 1 वोल्ट के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और 1 एम्पियर के बारे में। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 वोल्ट के बारे में कि 1 वोल्ट होता क्या। चलिए समझते हैं 1 वोल्ट को। 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज 1 वोल्ट। देखिए 1 कूलम चार्ज 1 जूल वर्क करता है इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक आने के लिए, तो उसे हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो इन्फिनिटी से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड तक आ रहा है तो वो कुछ वर्क कर रहा है, ठीक है। और समझिए कोई अनदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो भी इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक आ रहा है तो वो भी कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है। तो जो फर्स्ट चार्ज ने वर्क डन किया और जो सेकेंड चार्ज ने वर्क डन किया, जब हम लोग उन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को इस फिगर के थ्रू से हम लोग और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक चार्ज Q है जो अपने सराउंडिंग में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ठीक है। इन्फिनिटी से कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तक आया, ठीक है। तो ये समझिए Q1 चार्ज था, ये कुछ ना कुछ वर्क डन किया। Q2 चार्ज जो था वो भी इन्फिनिटी से आया, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के नियर में आया, ठीक है। हम लोग मान रहे हैं कि Q1 जो है वो 40 वोल्ट का वर्क किया जबकि Q2 जो है वो 20 वोल्ट का वर्क किया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो Q1 माइनस Q2 है ना, तो 40 माइनस 20, इट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो आ जाएगा वो 20 वोल्ट हो जाएगा। डिफरेंस मतलब ही होता है सब्ट्रैक्ट। अगर मैं आपसे यहां पर ये पूछूं कि Q1 और Q2 जो चार्ज है, इन दोनों चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, तो Q1 चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नियर में है तो वो ज्यादा फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। Q2 चार्ज जो है वो Q1 चार्ज की अपेक्षा वो कम फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? क्योंकि Q2 चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है, दूर है। किसके कंपैरिजन में, तो Q1 चार्ज के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आप यहां पर ये समझ पा रहे होंगे कि जो भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के जितना नियर होगा, जितना नजदीक होगा, उतना ही अधिक वो फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, V = W/Q, वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वोल्ट है, जिसे हम लोग कैपिटल V के द्वारा डिनोट करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का जो एसआई यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, तो यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो अनदर नेम है वो क्या है, वोल्टेज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। The amount of electric charge flowing through any cross section of a conductor in unit time is known as electric current। ये इलेक्ट्रिक करंट को एक तरह से हम लोग और डिफाइन कर सकते हैं, The rate of flow of electric charge is known as electric current। आखिर में इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है उस चीज को समझिएगा। देखिए कोई भी कंडक्टर है उसमें जितना अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे समझिए ये क्या है, कंडक्टर है, ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं वो क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो हर एक कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो जितना अमाउंट में किसी भी कंडक्टर में क्रॉस सेक्शन एरिया से जो चार्ज फ्लो होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक करंट = होता है चार्ज बाय टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैपिटल I के द्वारा डिनोट करते हैं, चार्ज को Q के द्वारा, चाहे स्मॉल Q लीजिए या फिर कैपिटल Q लीजिए, और टाइम को T के द्वारा। इट मीन्स यहाँ एक फॉर्मूला है आपका I = Q/T, इलेक्ट्रिक करंट = चार्ज बाय टाइम। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला जाने तो वो अलग होता है। पीछे हम लोगों ने देखा था कि I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी, और हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट लेक्चर में इस चीज को डिस्कस किए थे कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, और उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था Q इक्वल टू NE, ठीक है। और यहां पर हम लोगों ने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम होता है, मीन्स I इक्वल टू Q बाई टी। तो Q के जगह हम लोग NE लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, NE। तो I इक्वल टू NE बाई टी। NE कैसे आया, तो वो Q के प्लेस में आया, ठीक है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट को देखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू हम लोगों ने क्या देखा था, चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज का क्या होता है, कूलाम होता है, टाइम का सेकेंड होता है। कूलाम को हम लोग कैपिटल C के द्वारा डिनोट करते हैं, सेकेंड को स्मॉल s के द्वारा, ठीक है। तो क्या हो गया, कूलाम पर सेकेंड। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम पर सेकेंड को, ठीक है। लेकिन एसआई यूनिट जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसे हम लोग कैपिटल ए के द्वारा डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के स्मॉलर यूनिट का बात करें तो जैसे 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर होता है, और इसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं स्मॉल m और कैपिटल A के द्वारा, ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। और इसे हम लोग म्यू और कैपिटल A के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग म्यू पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि 1 एम्पियर होता क्या है। देखिए कोई भी कंडक्टर है उसमें 1 कूलाम चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। इट मीन्स 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड, ठीक है। 1 कूलाम चार्ज किसी भी कंडक्टर में अगर 1 सेकेंड में फ्लो करता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।